लगता है गई भैंस पानी में, गरारे कर रहा हूं भाई। अरे आपको भी अगर चलो आज आपको घरेलू इलाज बता देता हूँ कि बड़े लोग पूछ रहे हैं कि सर इसका घरेलू इलाज बताओ, ये जो कोविड है तो इसका घरेलू इलाज क्या है। गरारे करो, स्टीम लो, ठीक है। गला खराब होता है तो एंटी एलर्जिक दवाई ले लो कोई, जैसे कि सेट्रिजिन, जैसे कि एलग्रा, जैसे कि इबास्ट, है ना, एक गोली रात को ले लो। और अगर गले में दर्द के लिए बेटर होगा कि अब मैं कोई पेन किलर नहीं दूंगा, सिर्फ पैरासीटामोल ही लें अगर बुखार होता है तो। 650 mg अडल्ट ले सकता है 6-6 घंटे बाद, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एंटीबायोटिक का कोई बहुत ज़्यादा रोल है नहीं इसमें, लेना चाहें तो एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, लेकिन फिर बोलूँगा अपने डॉक्टर से पूछ के लें, दिन में एक बार एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, फिर बोल रहा हूँ अपने डॉक्टर से पूछ के लें, ठीक है। और खांसी अगर है, अगर सूखी खांसी है तो सिरप एलेक्स ले सकते हैं, बलगम वाली खांसी है तो सिरप ब्रोजीडेक्स ले सकते हैं, शुगर फ्री ले सकते हैं, अगर शुगर है तो शुगर ले लें, अपनी ऑक्सीजन जरूर चेक करते रहें, ठीक है। आज बाथरूम में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, क्या करूँ मेरा गला भी थोड़ा खराब है, मेरे लिए प्रे करो कि मुझे कुछ ना हो। अगर मुझे कुछ हो गया ना भाई साहब, मैं गया 5-7 दिन के लिए कोने में, फिर किसी का फोन नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, जितनी हेल्प करना चाहता हूँ नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, क्या बोलूँ। पीछे मेरे गंदे कपड़े नजर आ रहे हैं टंगे हुए, कोई बात नहीं, बड़े लोग बड़ी गला। कभी कभी ऐसे भी वीडियो बनाने चाहिए, लोगों की हेल्प कहीं पे भी की जा सकती है, टॉयलेट की सीट पे भी की जा सकती है ना। तो गरारे कर लूँ मैं, कर लूँ अगर आपकी उम्मीद आपकी अनुमति हो तो हम गरारे कर लें, उसके बाद आते हैं नए रूप में। पता नहीं अगर आज मैं ठीक ना हुआ तो मुझे कल अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, हंस रहा हूँ क्या करूँ। आपको भी बोलूंगा कि हंस के ही सामना करना चाहिए मुसीबतों का, यार क्या करें हम, हमारे पास हमारे बस में कुछ है नहीं, है ना। कितने भी प्रिकॉशन रख लो, ये ओमिक्रॉन इस बार किसी को छोड़ेगा पता नहीं। वैक्सीन है, ऊपर वाले की भेजी हुई वैक्सीन, डॉक्टर कालरा कहते हैं वैक्सीन है तो वैक्सीन लग जाएगी, उसमें क्यों, ओ बड़े लोग बड़ी गला। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग सीरियस भी हो रहे हैं, तो आप इसको सीरियसली लें। और आज भी LNJP में करीब 75 पेशेंट एडमिट हुए हैं, जिसमें 40 के आसपास बाईपैप पे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, 8-10 वेंटिलेटर पे हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कि नंबर ऑफ पेशेंट अगर ज़्यादा आएंगे तो नाना करते हुए भी हॉस्पिटल फुल हो जाएंगे, अभी शुरुआत हुई नहीं है, हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, लेकिन कब ये भर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि इस बार हॉस्पिटल थोड़े कंगाली में है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।